गुड इवनिंग एवरीवन, इज इट ऑडिबल एंड विजिबल क्लियरली? मेरी आवाज आ रही? गुड इवनिंग नितिन, ओके सब लोग आ रहे हैं ऑलमोस्ट। तो आज हम कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं, इम्पोर्टेंट है, अच्छा ये बताइए 5.8 पढ़ा है क्या आप लोगों ने? रोल्स थ्योरम मीन्स मीन वैल्यू थ्योरम सिलेबस में नहीं है बोर्ड के, सर ने पढ़ा है क्या? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब पढ़ा है? नहीं पढ़ा है ना, चलिए ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का वो एक टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और उसके क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं अच्छे खासे, तो आज हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोगों ने कुछ प्रीवियस ईयर्स ये लेवल 3 ट्राई किया, ट्राई कर पाए? वैसे एक दिन था, तो चलो देख लेंगे, है ना। उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर्स एओडी के क्वेश्चंस हो जाएंगे, और अगर आपको पुराने पूछे हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रीवियस ईयर्स लगाया हो अगर, और टेंजेंट नॉर्मल से प्रीवियस ईयर्स लगाया हो, तो वहां से पूछ सकते हैं जैसे भी, तो वो चीज पढ़ने वाले हैं। और भी इसके अलावा अगर हमारे पास टाइम रहा तो कुछ और चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें, वर्टिकल टेंजेंट है ना, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आती है, कर्व ट्रेसिंग है ना, कर्व कैसे चेंज हो रहा है, और भी शायद चीजें हैं, तो छोटी छोटी चीजें हैं काफी कुछ मिला के, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जैसे शायद मैंने आपको स्टार्टिंग के क्लासेस में बताया था, जब मैं ले रहा था कि दिस इज द चैप्टर विच इज यूज्ड टू, एक टॉपिक रह गया था हमारा, मतलब मैं जो पढ़ा रहा था कि आपके सर के साथ, कौन सा टॉपिक रह गया बताइए, मैं पढ़ा दूंगा। Which topic is that, Sakshi? अच्छा, non-removable discontinuity, ठीक है, उसको भी खत्म कर लेते हैं। और मेरे ख्याल से आज क्या इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया आपकी क्लास में? नहीं, तो मे बी नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा, है ना, जब भी क्लासेस प्लान होगी, तो ऑब्वियसली बात है कि फिर मैं इंटीग्रेशन की शीट नहीं लूंगा आपको, है ना। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वीक के लिए आपको मैं पुराने चैप्टर की शीट दे देता हूँ, सो दैट वी विल ट्राई टू सॉल्व मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, ठीक है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट शीट मैं दूंगा आप लोगों को, तो आप पढ़ चुके हो उसको लगाइएगा, थर्ड और फोर्थ चैप्टर दोनों चैप्टर कवर हो जाएंगे, दो क्लासेस रहेंगी, उसके डाउट्स क्लियर कर लेंगे, तो वो टॉपिक भी कवर हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट वीक में जब इंटीग्रेशन की क्लासेस हो जाएंगी, तो उसके लिए, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीक के लिए आपको इंटीग्रेशन की शीट दे दूंगा। इंटीग्रेशन में थोड़ा सा बिल्ड करने में टाइम लगता है ना, इट इज अ क्वाइट लेंथी एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपटीशन, इंटीग्रेशन में काफी मेहनत लगता है। चलिए तो सबसे पहले थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं, है ना, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चंस पर। तो ओके, तो हमारे पास पढ़ने के लिए क्या क्या है, so we have these things to study today. We'll study first is Rolle's theorem,
और लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये हो गया। उसके बाद जैसे इन्होंने बताया कि टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में थोड़ा सा कुछ रह गया था, तो वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। और तीसरी चीज जो कि है कर्व ट्रेसिंग से रिलेटेड, तो ये भी हम देखेंगे, है ना, कि कोई भी आपको ऐसे ही कर्व दे दिया है ना, जैसे मान लो आपको दे दिया वाई की पावर, वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स बाई टू, आपसे पूछ ले भाई इसका कर्व बनाइए, तो थोड़ा कर्व ट्रेसिंग का आइडिया लेंगे कि हाँ कि इसका ग्राफ जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है, कहाँ पर मैक्सिमा होगा वो भी पढ़ चुके हैं, हमें निकालना आता है, तो मैक्सिमा इस पॉइंट पर होगा, ठीक है। अब एक और नई चीज हम देखेंगे जिसमें होता है कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन, दो चीजें, अगर हमें ये तीन चीजें पता है कि ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर मैक्सिमा है, ठीक है, और इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ठीक है, और तीसरा कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन, तो आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं ना, काफी सारी चीजें हम देखने वाले हैं ये करके। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए रोल्स थ्योरम, रोलेस थ्योरम, ठीक है, व्हाट एवर यू वांट टू कॉल इट, व्हाट इज रोलेस थ्योरम, सो दिस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु फाउंड दिस रोलेस थ्योरम, किया तो पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, है ना, फिर समझेंगे कि उसका मतलब क्या है, ठीक है, लिखिए। लेट अ फंक्शन, लेट अ फंक्शन वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग कंडीशंस, क्या कंडीशन है, पहला कंडीशन लिखी, बेसिकली जो एफ एक्स है वो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है ना, जैसे हाँ, तो पहले कंडीशन लिखते हैं फिर समझाता हूँ। एफ इज कंटिन्यूस इन क्लोज्ड एबी, है ना, क्लोज्ड इंटरवल एबी में क्या है, एफ कंटिन्यूस है। सेकंड, एफ डैश एक्स, या फिर ऐसे लिखिए, एफ इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल एबी, फंक्शन एफ जो है दैट इज कंटिन्यूस इन क्लोज्ड एबी एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन एबी, एंड थर्ड इज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू सी सच दैट सी जो है इट बिलोंग्स टू ए बी, है ना, उसके बीच में आता है, फॉर विच एफ डैश सी इज इक्वल्स टू जीरो, लिख लीजिए क्या लिखा हुआ है, ये मैं समझाता हूं आपको, ठीक है, ध्यान से लिख लीजिए। तो ये क्या कहना चाहते हैं,
तो एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए है कोई फंक्शन है, लेट्स से y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, और इसका ग्राफ ऐसे बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से इसका ग्राफ बना हुआ है, दिस इज द पॉइंट ए, एक्स इज इक्वल टू ए बिकॉज इट इज ऑन एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। और ये दोनों जो है इनकी हाइट सेम है जो एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है कि अगर आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है क्लोज्ड ए बी में, है ना। क्लोज्ड ए बी का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड ए बी में कंटिन्यूस होने का मतलब क्या हो? मतलब ये हुआ, मैंने आपको कंटिन्यूटी में बताया था कि इसका मतलब ये है कि ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस है ना, मतलब ए और बी के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस है बीच के। कोई मुझे बता सकता है ए पर कैसा है ग्राफ? डिड यू रिमेम्बर दैट टर्म व्हाट आई टोल्ड इन द कंटिन्यूटी? ए पर कैसा होना चाहिए? अगर क्लोज इंटरवल की बात कर रहा हूं मैं, ए पर याद है किसी को? नहीं याद है? मैंने बताया था। तो देखो ए पर भी कंटिन्यूस होना चाहिए और बी पर भी कंटिन्यूस होना चाहिए। अब ए और बी की कंटिन्यूटी है ना वो थोड़ी स्पेशल है। क्या है स्पेशल है कि ए पर कंटिन्यूस, तो आपने पढ़ा होगा किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूस होना मतलब एल एच एल, आर एच एल और एफ ऑफ ए, ये तीनों बराबर होने चाहिए, ये पढ़ा है हमने। तो देखो ए माइनस जो है ये तो डिफाइंड ही नहीं है, ये तो इंटरवल में ही नहीं है, है ना। समझ रहे हैं? ए से पहले वाला कोई पॉइंट इंटरवल में नहीं है क्योंकि ये पॉइंट कहां से स्टार्ट हो रहा है? ए से। तो जब एंड पॉइंट्स की बात करते हैं तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है कि ए पर फंक्शन कैसा होना चाहिए? इसका जो आर एच एल है वो एफ ऑफ ए के बराबर आना चाहिए। एल एच एल से कोई लेना देना नहीं। इसको बोलते हैं राइट कंटिन्यूस, है ना। और मैं बी की बात करूं अगर, तो बी पर ऐसा कुछ आना चाहिए कंटिन्यूटी के लिए, लेकिन देखो बी प्लस जो है इस इंटरवल में नहीं है, तो बी प्लस के बारे में बात नहीं करेंगे। तो डेफिनेशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है कि एल एच एल जो है वो आपका एफ ऑफ बी के बराबर आना चाहिए। इसको बोलते हैं लेफ्ट कंटिन्यूस, है ना। अगर ये बात मैंने बताई थी शायद जहां पर मुझे लग रहा है, तो इसमें तीन बात हो जाती है। ए और बी में कंटिन्यूस होना मतलब कि स्मॉल इंटरवल में तो कंटिन्यूस होना ही है, आपका ए पर राइट कंटिन्यूस होना चाहिए, है ना, और बी पर लेफ्ट कंटिन्यूस होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? राइट कंटिन्यूस और लेफ्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या है? तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं राइट कंटिन्यूस एंड लेफ्ट कंटिन्यूस। चलिए बहुत बढ़िया। तो फंक्शन कैसा होना चाहिए? सिर्फ ओपन इंटरवल में नहीं, कैपिटल इंटरवल में, कैपिटल स्क्वायर, अरे क्या बोलते हैं, सो क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, है ना। डिफरेंशिएबल का मतलब ग्राफ के बारे में आप चेक कर रहे हो, तो कैसे चेक करते हैं ग्राफ को? एक तो कहीं पर डिसकंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए, और दूसरा शार्प कॉर्नर नहीं आना चाहिए। तो ये डेरिवेबिलिटी में हमने पढ़ा था, है ना, कि कहीं पर डिसकंटिन्यूस हो जाए। मान लो ग्राफ आपका ऐसे जा रहा है और बीच में टूट के आगे चला जाए तो डिसकंटिन्यूस हो गया, तो ऐसा ग्राफ जो है डिफरेंशिएबल नहीं होता है ना। और ऐसा शार्प कॉर्नर आ गया तो यहां पर भी ग्राफ जो है आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये ग्राफ को देख के आप बता सकते हैं कैसे आपका कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है कि, ठीक है।
तो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और तीसरा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर होना चाहिए। एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी बराबर होने का मतलब क्या है कि जो ए पर आंसर आ रहा है वाई कोऑर्डिनेट, मान लो 10 है ये, तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका ए कॉमा 10, और ये क्या हो गया बी कॉमा 10। तो कहने का मतलब ये है कि एंड पॉइंट्स पर आंसर सेम आना चाहिए, मतलब एंड पॉइंट्स की हाइट जो है वो सेम होनी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो क्या होगा, आपको बीच में कोई ना कोई सी पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जहां पर क्या आ जाए डेरिवेटिव जीरो हो जाए। कोई मुझे बता सकता है कि ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर माइक ऑन करके बताइए, ज्योमेट्रिकली एफ डैश सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ज्योमेट्रिकली, मतलब अगर मैं इसको यहां ग्राफ में देखना चाहूं तो कैसे दिखेगा मुझे एफ डैश सी बताइए। एनीवन, हम डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं, और ये हमें पता है एक्चुअली कि अगर एफ एक्स फंक्शन है तो एफ डैश एक्स ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, और एफ डैश एक्स अगर वो रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसमें एक्स की जगह मैंने सी रख दिया, कोई पॉइंट रख दिया। हाँ तो सही लिखा लोगों ने, स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और किस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। तो देखो जब आपका ए से बी इंटरवल इस तरह से चल रहा है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर है, तो बीच में आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे जरूर मिल जाएंगे जहां पर टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप कैसा आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो देखो यहां पर एक पॉइंट नहीं, हमें तीन पॉइंट मिल रहे, सी वन मान लिया इसको, सी टू मान लिया है ना, और सी थ्री मान लिया। तो मान लीजिए ये फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, स्लोप फंक्शन, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस टू कुछ आया, तो आप इसमें x की वैल्यू रखेंगे तभी तो पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप मिलेगा। तो अगर मैंने इसमें c1 रख दिया तो f डैश c1 कितना हो गया, जीरो हो गया, है ना, क्योंकि अगर टेंजेंट, क्यों हो गया ये जीरो, क्योंकि टेंजेंट जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है। तो मतलब अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल कितना हो गया, जीरो हो गया, और जीरो हो गया तो टैन जीरो कितना होता है, जो कि स्लोप होता है वो कितना आ गया, जीरो हो गया। तो किसी भी पॉइंट पर अगर लाइन आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होता है, जीरो होता है। तो यहां पर देखो मुझे तीन पॉइंट मिल गए, एफ डैश सी टू भी जीरो होगा और एफ डैश सी थ्री भी जीरो होगा, ठीक है। तो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है और एंड पॉइंट पर वैल्यू सेम है, तो आपको क्या बोल रहे हैं, एटलीस्ट वन पॉइंट। एटलीस्ट वन पॉइंट का मतलब क्या है, मुझे तीन क्यों मिल गए, ऐसा इसलिए, देखिए एक और एग्जांपल आपको बताते हैं। हाँ देखिए, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, आपसे बोला गया कि यहां से स्टार्ट करके जाना है और यहां पर खत्म करना है, ठीक है। तो यहां से जाने के बहुत सारे तरीके, जितनी बार आप टर्न करेंगे मैक्सिमम मिनिमम आएगा और आपको एक नए पॉइंट जरूर मिल जाएगा। देखो सबसे सिंपलेस्ट कर्व क्या हो सकता है, ये हो सकता है, सबसे सिंपल तरीका यहां से वहां जाने का। तो इस केस में भी आपको एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जहां पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे अगर, तो वो एक्स एक्सिस के क्या आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा। तो वो इस केस की बात कर रहे हैं कि अगर आप ए से बी जाओगे तो कम से कम ऐसे तो जाना पड़ेगा आपको, और भी कई सारे ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है देखिए, एक ऑप्शन है कि जैसे हम ऊपर गए तो बहुत सारे पॉइंट मिल गए, हम ऐसे घुमा भी जा सकते कई बार, तो देखो कितने सारे पॉइंट मिल गए जहां पर टेंजेंट का स्लोप क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। कोई बोले सर ऐसे जा सकते हैं हम, ऐसे भी तो जा सकते हैं, ए से लेकर बी सीधे चले गए, तो सीधे चले गए तो देखो हर एक पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे तो वो जीरो आएगा। लाइन में टेंजेंट कैसी बनती है, देखो इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाएंगे ना तो लाइन की टेंजेंट खुद लाइन होती है, लाइन की टेंजेंट खुद लाइन होती है। आप कोई भी पॉइंट ले लेंगे और उससे जाने वाले लाइन बनाएंगे तो वही खुद लाइन आ जाएगी,
तो इसके हर एक पॉइंट पर जो स्लोप आएगा वो जीरो आएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पर टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, कोई बोलेगा सर हम यहाँ नीचे से चले जाते हैं, तो नीचे से चले जाएंगे तब भी टेंजेंट का स्लोप क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और नीचे से चले जाएंगे तब भी यहाँ पर टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो जब जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी तब तब उस टेंजेंट का स्लोप जीरो होगा और वहां पर हमें कोई ना कोई एक एक्स की वैल्यू उसके बीच में मिलेगी। ठीक है, तो आई होप सो दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर, है ना, कि अगर कंटिन्यूस है आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, है ना, तो हम देखेंगे, मान लो कंटिन्यूस नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, चेक करेंगे हम, डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा क्या, और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा क्या। तो ये तीन बातें हैं, तीनों होना जरूरी है ना, तीनों होना जरूरी है, जब तीनों होगा तभी कुछ रिजल्ट आएगा। जैसे जैसे खाना बनाते हैं ना, तो खाना बनाते हैं तो गैस जलना जरूरी है ना, उस पर तवा होना जरूरी है और फिर तवे के ऊपर कुछ होना जरूरी है, तब तो रोटी बन के आएगा। तीनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से जिसको बोलते हैं टेक्निकल टर्म में नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, मतलब ऑल थ्री आर नेसेसरी एंड ऑल थ्री आर सफिशिएंट, मतलब इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तो अभी देखते हैं क्या कंडीशन, तो इसको नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लिया है तो बताइए हम आगे बढ़ते हैं। तो रोल्स थ्योरम साथ साथ में नोट करते जाइए ना, अगर समझने में दिक्कत नहीं हो रही। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, किसी का छूट जाए तो बता दीजिएगा मुझे। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या किया, चेक कर रहे हैं, पहली कंडीशन मैंने हटा दी, क्या मैंने कर दिया भाई, कंटिन्यूस कर दिया ओपन एबी, कैसे काम नहीं चलेगा, और डिफरेंशिएबल है कोई दिक्कत नहीं, और आपका एफ ए एफ बी के बराबर है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट कंडीशन पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर दिया। तो अब मैं आपको एक सिचुएशन दिखा रहा हूं जिसमें ये तीनों फॉलो होंगी लेकिन हमें पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ऐसी कई सारी सिचुएशन हो सकती हैं जिसमें कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल और एफ ए एफ बी के बराबर हो तो आपको पॉइंट मिल जाए, है ना। जैसे मान लीजिए एक ऊपर ही जैसा एग्जाम्पल दिखाया, जैसे ये है ए से बी, तो दिख रहा है मुझे ग्राफ कंटिन्यूस है ओपन में, डिफरेंशिएबल है ओपन में एफ ए, तो यहां पर आपको पॉइंट तो मिल गए, लेकिन क्या क्या बोल क्या रहे हैं, एटलीस्ट वन पॉइंट। तो क्या ऐसा कोई केस हो सकता है जिसमें ना मिले? तो देखो बनाते हैं आपके लिए केस, तो ये ए हो गया और ये बी पॉइंट हो गया, दोनों के हाइट सेम रख दी ताकि वाई कोऑर्डिनेट सेम आ जाए। अब मुझे क्या करना है, कंटिन्यूस करना है ओपन ए बी में, है ना। तो देखो मैंने क्या किया, यहां पर होल लगा दिया और यहां पर डॉट लगा दिया, ठीक है, और यहां पर होल और यहां पर डॉट, और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब देखिए ये जो ग्राफ है आपका कंटिन्यूस है ओपन एबी में, कैसे कंटिन्यूस है, ओपन एबी में कंटिन्यूस होने का मतलब है कि बीच के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस होना चाहिए। तो देखो ए तो है ही नहीं ना, ए तो इंटरवल में नहीं है, तो आप ए पर कंटिन्यूटी चेक नहीं करोगे, है ना। मुझे यहां से क्या दिख रहा है, देखो मुझे ये दिख रहा है, एक मिनट मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, आई होप सो ये होल एंड डॉट का कॉन्सेप्ट सबने पढ़ा होगा, कोई ऐसा तो नहीं है जो होल और डॉट का कॉन्सेप्ट नहीं जानता है। अगर कहीं पर डॉट लगा हुआ है मतलब वो पॉइंट उस उसमें है, और अगर कहीं होल लगा हुआ है मतलब वो पॉइंट उसमें नहीं है, ठीक है, हाँ इंक्लूडेड। तो देखो
ये वैल्यू मैंने मान ली, कुछ मान लीजिए के आ रहा है, तो देखो ए पर वैल्यू के आ रही है और बी पर भी वैल्यू के आ रही है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट ग्राफ में इंक्लूडेड है। तो ए पर ग्राफ देखिए डिस्कंटिन्यूअस है, ए पर कैसे, ए पर कैसे डिस्कंटिन्यूअस है कि फंक्शन की ए पर वैल्यू कितनी आ रही है, के, और लेकिन जैसे आप आगे जाएंगे तो एकदम ग्राफ में ऊपर पहुंच जाएंगे और उसकी वैल्यू मान लो ये कुछ है आपकी, लेट्स से दिस इज 2 एंड दिस इज 4, तो ए पर तो वैल्यू 2 आ रही है और ए से जैसे ही आगे गए तो 4 हो गया, तो ए पर आपका राइट कंटिन्यूअस नहीं है। सेम बी के लिए भी लेफ्ट कंटिन्यूअस नहीं है। तो देखो लेकिन ये ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, डिफरेंशिएबल तो है ही है, कहीं पर सात कॉर्नर नहीं आया, ओपन इंटरवल की बात की थी तो ए और बी की वैसी बात कर नहीं रहे, और ए और बी पर वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो ये दोनों आपके क्या है डॉट है, तो ए और बी पर वैल्यू सेम आ रहे। लेकिन फिर भी देखो हमें कहीं पर भी ऐसा पॉइंट नहीं मिला जहां पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाए, तो यहां पर कुछ भी नहीं मिला ऐसा एफ डैश सी जिसके लिए जीरो हो जाए, है ना। तो क्वेश्चन क्या था कि तीनों फॉलो करेंगे तो कम से कम एक तो मिलेगा, लेकिन मैंने आपको एक केस बता दिया, तो अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आप कोई भी ग्राफ बना लो कम से कम एक मिलेगा, ठीक है। तीन कंडीशन फॉलो करके ये बहुत सारे ग्राफ होंगे जिसमें मिलेगा, लेकिन बहुत सारे ग्राफ ऐसे भी होंगे जिसमें नहीं मिलेगा। लेकिन ऊपर क्या कह रहा है, आप कैसा भी ग्राफ बना लो, है ना, कितना भी बुरे से बुरा ग्राफ बना लो आपको एक पॉइंट जरूर मिल जाएगा। तो देखो पहली कंडीशन मैंने हटा दी तो गड़बड़ होगी, मतलब क्लोज्ड इंटरवल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना, ग्राफ मस्ट स्टार्ट फ्रॉम ए, है ना, एंड इट शुड एंड एट बी ओनली, है ना, ओके ठीक है। कोई बोल दे सर चलो ठीक है कंटिन्यूस कर दिया क्लोज्ड इंटरवल में, लेकिन डिफरेंशिएबल हमने कर दिया, डिफरेंशिएबल नहीं किया मैंने, नॉट डिफरेंशिएबल कर दिया, तब क्या गड़बड़ हो जाएगी, और तीसरी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो देखो आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं, तब फिर गड़बड़ हो जाएगी। ग्राफ आपका कंटिन्यूस रखना है ए से बी में, ठीक है, तो ए से स्टार्ट होगा और बी तक जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल मतलब डिसकंटिन्यूस। तो देखो ए से बी में, अच्छा कंटिन्यूस रखना है ना, कंटिन्यूस भी होना चाहिए। देखो ए से बी में ग्राफ कंटिन्यूस है, ठीक है, ए और बी पर वैल्यू भी क्या है सेम है, तो पहली कंडीशन फॉलो है, ए पर लेफ्ट कंटिन्यूस, ए पर राइट कंटिन्यूस, बी पर लेफ्ट कंटिन्यूस भी है, ठीक है, एफ ए बराबर एफ बी भी है, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। देखो ये एक पॉइंट है जिस पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अब आपको यहां पर कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं मिला जिस पर टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। कोई बोल दे सर यहाँ पर टेंजेंट बना दो ऐसे ऐसे लटकती हुई टेंजेंट, इस पर टेंजेंट नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि इस पर dy by dx एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल नहीं है ना, ठीक है। तो यहां से भी मैंने एक ऐसा केस देख लिया जो हो सकता है कि आपको कोई भी पॉइंट ना मिले, तो दूसरा कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिमिलरली यू कैन चेक थर्ड कंडीशन इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। मान लो फर्स्ट फॉलो हो रही है, सेकेंड फॉलो हो रही है, लेकिन थर्ड फॉलो नहीं हो रही है। जैसे एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, क्या है कि कंटिन्यूस रखना है ए से बी में और डिफरेंशिएबल रखना है, हाइट सेम नहीं रखनी। तो देखो मान लो ये ए है और ये बी, तो हाइट अलग अलग कर दी, तो देख लीजिए भाई कंटिन्यूस है डिफरेंशिएबल है, लेकिन कहीं पर भी ऐसा पॉइंट नहीं मिला जिस पर स्लोप जो है वो एक्स एक्सिस के बराबर हो जाए, है ना, जिस पर टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो यहां पर मेजर पॉइंट जो है हमारा कि ये तीनों कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और जो मैंने अभी आपको बताया तीनों को नेगेट करके, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, कॉम्पिटिशन लेवल पर इससे चीजें बन सकती है, ठीक है। ट्रू फॉल्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ऐसा जरूरी है कि कंटिन्यूस होना चाहिए ओपन में, क्लोज्ड में ओपन नहीं चल सकता, ये सारी चीजें याद रखिएगा, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन एक कैसा बन सकता है वो हम लिखते हैं, तो पैरेलली लिखते जाइएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि हमें काफी कंप्लीट करना है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहीं कुछ दिक्कत हो बता दीजिएगा ना, स्लो का, फास्ट का, या फिर कोई भी और कोई भी ऐसा डाउट, एवरीथिंग इज मैनेजेबल है, ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बनता है मेंस में जो आता है, वेरीफाई
रोल्स थ्योरम फॉर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू इन माइनस टू टू टू. ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि वो सी की वैल्यू निकाल के बताओ, है ना. बोला कि भाई एक पॉइंट सी बीच में आएगा जिस पर स्लोप जीरो हो जाएगा, तो क्वेश्चन ये आता है कि उस सी की वैल्यू बताओ. तो कैसे किया जाएगा, देखो. तो सबसे पहले आपको प्रूव करना रहेगा कि कंटिन्यूस है माइनस टू से टू में. तो हम जानते हैं कि एलजेब्रा जो है वो जिंदगी भर कंटिन्यूस होते हैं हमेशा, तो वो कंटिन्यूस होंगे, उसमें कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. डिफरेंशियबल एलजेब्रा जो है वो हमेशा डिफरेंशियबल भी होता है, फिर डिफरेंशियबल भी इसी को, इसको भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. एंड पॉइंट्स पर वैल्यू निकाल लेते हैं. तो एफ ए कितना है आपका माइनस टू, तो इस पर वैल्यू निकालो, रख दो माइनस टू का स्क्वायर प्लस टू, कितना आ गया, सिक्स आ गया, सही है. और बी पर वैल्यू निकाल लो, मतलब टू पर वैल्यू, तो टू स्क्वायर प्लस टू कितना आ गया, सिक्स आ गया, है ना. तो एंड पॉइंट्स पर वैल्यूज भी सेम है, तो अच्छा है ना. तो तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, कहीं एक अगर चूक जाता तो फिर उस पर रोल्स थ्योरम नहीं लगता, सी पॉइंट नहीं लगता. लेकिन अगर तीनों लग रहा है तो क्या बोल रहा है वो, तो मैंने क्या किया, स्लोप निकाल दिया एफ डैश एक्स, कितना आ जाएगा 2x, और उसको जीरो रख दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो. तो देखो स्लोप मैंने जीरो रख दिया, मतलब टेंजेंट मिल गई जो x एक्सिस के पैरेलल है, वो पॉइंट क्या मिल गया, जीरो मिल गया. मतलब जो c की जो मैं बात कर रहा था वो c कितना आ गया यहाँ पर, जीरो आ गया. और क्या ये देखो उस इंटरवल में लाई कर रहा है, क्या इंटरवल है, माइनस टू से टू में लाई कर रहा है, हाँ बिल्कुल लाई कर रहा है. सो दिस इज वेरीफाइड. Yes, I'll repeat it. Let me complete it. तो verify करने का मतलब यही है कि आपको एक point जो है वो उनके बीच में मिलेगा. बीच में मतलब ऐसा नहीं कि exactly बीच में. One आ गया answer, मान लो x की value तो सही है. Three मान लो three नहीं, minus one आ गया तो भी सही है ना. 1.5 आ गया तो भी सही है. Minus two के two, minus two से two के बीच में एक point आपको जरूर मिल जाएगा, है ना, जिस पर आपका स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. एक से ज्यादा भी मिल सकता है. तो ये वेरीफाई हो गया ना, क्वेश्चन ऐसे आता है कि उस सी की वैल्यू बताइए. तो क्या नाम है, प्रज्वल, कहां तक आपने सुन लिया ये बताइए, बाकी लोगों को मैं क्वेश्चन देता हूं उसको करिए. प्रज्वल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कहां तक आपने सुन लिया. एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टाइम्स एक्स प्लस थ्री ई की पावर माइनस एक्स बाई टू, और इंटरवल दिया है माइनस थ्री से जीरो. इसमें सी की वैल्यू बताइए, नोट करिए क्वेश्चन जल्दी, मैं उनको बता दूं. स्टार्टिंग से नहीं, स्टार्टिंग से क्लास की स्टार्टिंग से, क्वेश्चन के स्टार्टिंग से. ओके, बाकी स्टूडेंट ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मैं स्क्रॉल डाउन करने वाला हूं, और उस सी की वैल्यू बताइए. ठीक है, डिफरेंशिएट करना है और जीरो के बराबर रखना है. क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, जीरो के बराबर रखना है. ये तीनों चेक कर लीजिएगा, तो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन होगा. ठीक है, तभी तो पूछ रहा है वो. ये और चेक कर लीजिएगा, एंड पॉइंट पर वैल्यू सेम आनी चाहिए, और डिफरेंशिएट करके जीरो रख दीजिए, और एक्स जो है इसके बीच में आना चाहिए. देखिए प्रज्वल, e की पावर माइनस एक्स बाई टू है, माइनस एक्स बाई टू. देखिए तो क्वेश्चन ये था, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू इन माइनस टू टू टू. तो वेरीफाई करने का मतलब है वो सी बताओ जहां पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, वो सी निकालना है. अगर सी आपका इसके बीच में आ गया मतलब वेरीफाई हो गई, है ना. क्वेश्चन ऐसे भी आता है उस सी की वैल्यू बताइए. तो देखो सबसे पहले क्या क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए माइनस टू से टू में. तो एलजेब्रा है ये हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, तो इसमें कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं. डिफरेंशियबल होना चाहिए, तो ये फंक्शन एलजेब्रा है ये भी डिफरेंशियबल है, डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं, कई बार डिफरेंशियबल भी कर दिया. एंड पॉइंट पर वैल्यू निकाल ली, तो इंटरवल जो दिया था ऊपर हमने जो क्या माना था ए से बी, तो इसको ए और इसको बी बोल दिया, तो ए पर वैल्यू और बी पर वैल्यू, तो माइनस टू और टू दोनों पर वैल्यू कितनी आ गई, सिक्स. तो मतलब एफ ए बराबर एफ बी भी हो गया. तो देखो पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई, दूसरी भी हो रही, तीसरी भी हो रही, तो मतलब एक सी जरूर मिलना चाहिए ऐसा. तो सी निकालने के लिए क्या किया, जो फंक्शन दिया था उसको डिफरेंशिएट कर दिया,
तो ये आ गया, और उसको जीरो रख दिया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। तो वो जो सी की बात हम कर रहे थे जिस पर स्लोप जीरो आया वो कितना है, जीरो, और ये जो जीरो है वो हमारे गिवन इंटरवल के अंदर है। अगर गिवन इंटरवल के अंदर है मतलब हमारा वेरिफिकेशन हो गया। आगे बात समझ में, प्रज्वल मुझे बताइए। यस वेरी गुड, सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन व्हिच वी कैन ट्राई। यस एनीवन गॉट द आंसर, लेट मी नो। डिफरेंशिएशन करने में डिफिकल्ट हो रहा है क्या? माइनस टू आ रहा है। वेरी गुड नितिन, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। देखो डिफरेंशिएट करना है तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से बोलता हूं कि फॉर्मूला लगाने से पहले दिमाग लगाइए, बिफोर यूजिंग द फॉर्मूला यूज योर ब्रेन। किस लिए, क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि सिंपल से सिंपल लग जाए फॉर्मूला, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करना पड़े। अब इसमें क्या किया जा सकता है, एक तो लगा सकता है कोई तीन फंक्शन का प्रोडक्ट रूल एक एक करके, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। देखो इसको हम दो फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ई की पावर माइनस एक्स बाई टू। अब करते हैं डिफरेंशिएट, आसान हो जाएगा एफ डैश एक्स। तो प्रोडक्ट रूल लगा दिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ई की पावर माइनस एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन ई की पावर माइनस एक्स बाई टू, और चेन रूल में माइनस एक्स बाई टू को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस वन बाई टू प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू, इसका डिफरेंशिएशन टू एक्स प्लस थ्री, और इसी को जीरो रखना है। तो देखो ई की पावर माइनस एक्स बाई टू कॉमन देख गया है ना, तो कितना बचा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, और देखो बाहर माइनस है और नीचे डिवाइडेड बाई टू है, ई की पावर माइनस एक्स बाई टू बाहर चला गया, क्या बचा 2x plus 3 बचा, और इज इक्वल टू 0 कर दिया। ये भाई साहब को डिनोमिनेटर में भेज दिया तो हट जाएंगे, तो कितना बचेगा देखो 2x plus 3 को लेफ्ट हैंड साइड रखा और ये नेगेटिव नंबर को राइट हैंड साइड दे दिया तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 4x plus 6 is equals to x square plus 3x, एक तरह से प्रॉपर लिख लिया 3x minus 4x minus x plus 6 is equals to minus 6 is equals to 0। तो अभी ये बच्चों का खेल है, फैक्टराइजेशन है, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे x माइनस थ्री एक्स प्लस टू, तो यहां से दो वैल्यूज क्या आ गए 3 एंड माइनस टू, तो दो वैल्यूज आ गए जिस पर आपका f डैश x जीरो आ रहा है। तो क्या कोई वैल्यू उस इंटरवल में आई है माइनस थ्री से जीरो, बहुत बढ़िया माइनस टू आई है, मतलब वो जो c माइनस टू है जिसकी बात कर रहा था, माइनस थ्री और जीरो पर वैल्यू कैसी आनी चाहिए, सेम आ लीजिए। अच्छा हमने ये चेक किया क्या, कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल, हाँ उसको चेक कर लीजिए क्या ये कंटीन्यूअस है, एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रा, कंटीन्यूअस इनटू कंटीन्यूअस क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है, तो कंटीन्यूअस है हमेशा, कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड पॉइंट पर वैल्यू चेक करिएगा तो दिख जाएगा आपको माइनस थ्री पर इसकी वजह से जीरो बन जाएगा, और जीरो पर इसकी वजह से जीरो बन जाएगा, एंड पॉइंट पर भी वैल्यू सेम आ रही है, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मुझे एक पॉइंट मिल गया, कम से कम एक मिल गया, यहाँ दो मिल गए लेकिन एक पॉइंट बाहर है, दो भी मिल सकते हैं हमें कभी इंटरवल के अंदर, एक तो कम से कम मिलेगा। तो आई होप सो रोज थ्योरम इज क्लियर टू ऑल ऑफ, इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग चाहें तो तुरंत कर लीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, जल्दी से वो सी की वैल्यू बता दीजिए जिस पर, जल्दी से नहीं बता पाएंगे यार, इसको कर लीजिए घर में है ना, इसको ट्राई करिएगा, 5.8 लगा सकते हैं, इस पर जो आंसर आएगा वो आएगा 3 माइनस रूट थ्री बाई थ्री, इसको नोट कर लीजिए, इसको बाद में आप करिएगा, ये आंसर आ जाएगा ठीक है। क्वाड्रेटिक बनेगा, फैक्टराइज नहीं होगा, उस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना ठीक है, पढ़ा होगा x is equals to minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2 है, तो उससे पता चल जाएगा, दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू आपकी उस इंटरवल में आ जाएगी, रूट थ्री की वैल्यू रख के चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं ठीक है, तो रोल्स थ्योरम में इतना ही आता है, ऐसे डिफरेंशिएट करके वो c की वैल्यू निकालनी रहती है जिस पर आपका आंसर जीरो आएगा। अगली हेडिंग डालिए,
लैग्रैंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इन शॉर्ट वी कॉल इट LMBT या फिर MBT, मीन वैल्यू थ्योरम भी डायरेक्ट बोल सकते हैं. अगेन द लैग्रैंजेस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट. और ऐसा आप बोल सकते हैं कि ये जो लैग्रैंजेस थे ये रोल्स थ्योरम से भी बाप निकले. तो इन्होंने कुछ ऐसी थ्योरम दी जिसके अंदर रोल्स थ्योरम आ गई काइंड ऑफ. चलो मैं बता देता हूँ, है ना, उससे ज्यादा समझ में आएगा. LMBT है ना या फिर MBT लिखिए इसमें. लेट FX बी अ फंक्शन ऑफ X सब्जेक्ट टू फॉलोइंग conditions. अगेन वी हैव सम conditions. What आर द conditions? फर्स्ट इज सेम एज it has to be continuous in AB, it has to be differentiable in open AB, and the third one opposite of that, the values at end point should not be same. Then we will get at least one C belonging to AB interval. One C belonging to AB such that F dash C is equals to, उसमें जीरो था लेकिन इसमें जीरो नहीं, FB minus FA upon B minus, इतना होगा. तो लिख लीजिए इसको, मैं समझाता हूं, सिंपल सी बात है, आपको आराम से समझ में आएगी. देखो भैया जो बोर्ड वाले बच्चे हैं ना वो भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ IIT वाले. कंपटीशन तो सभी को निकाल रहा है ना कुछ ना कुछ. ओके ठीक है, तो समझते हैं इस बात को, ये कहां से आए, है ना, कुछ कुछ स्लोप से रिलेटेड है. तो जैसे मान लीजिए तो अभी एंड पॉइंट्स पर वैल्यूज डिफरेंट आ गई, ठीक है, तो मैंने हाइट उसकी डिफरेंट रख दी, ठीक है. कंटिन्यूस होना चाहिए तो यहीं से स्टार्ट होगा ग्राफ और यहीं खत्म होगा. डिफरेंशिएबल होना चाहिए तो बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए और शार्प कॉर्नर नहीं आना चाहिए. तो देखो तो यहां से यहां तक जाने वाला मैंने एक कर्व बना दिया, एक कर्व बना दिया ऐसे, ठीक है. तो देखो क्या बोल रहा है वो, ये कुछ लिखा हुआ है ना, तो समझते हैं थोड़ा. देखो अगर ये फंक्शन y इक्वल्स टू fx है तो जब मैं a रखूंगा तो क्या मिलेगा, f ऑफ a मिलेगा y कोऑर्डिनेट, हम रख दो वहां पर. और जब b रखेंगे तो क्या मिलेगा, f ऑफ b मिलेगा. मतलब जो ये पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, a कॉमा एफ ए, ठीक है. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, b कॉमा एफ बी. आई होप सो दिस मच इज क्लियर. दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट बना लिए मैंने. अब मैंने क्या किया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, है ना. और लेट्स से दीज आर पॉइंट्स a B. कोई मुझे बताइए स्लोप ऑफ ए बी. यस जल्दी से माइक ऑन करके बताइए कोई भी, व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन ए बी. माइक ऑन कर सकते हैं. एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए. वेरी गुड, किसने बताया, सॉरी मैं नाम नहीं देख पाया, किसने बताया. मैंने हाँ साहिल, चलिए या वेरी गुड. तो
अगर किसी लाइन पर आपको दो पॉइंट दिए हुए तो आप स्लोप लिख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा एक्स टू माइनस वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये स्लोप आ गया ए बी लाइन का, ठीक है। अब देखो मुझे एक टेंजेंट यहां पर मिल रही है ऐसी, है ना, जो कि क्या है, इसके पैरेलल। अगर मैं इस टेंजेंट को लेट से सी डी बोल देता हूं, तो अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो स्लोप ऑफ सी डी विल बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। तो सी डी लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा, मान लो ये कोई पॉइंट है, क्या है, x इज इक्वल्स टू सी, तो इस पॉइंट पर स्लोप कैसे निकलेगा, डिफरेंशिएट करके सी रख देंगे। तो देखो सी डी लाइन का स्लोप कितना है, एफ डैश सी, क्योंकि ये कर्व पर है, और ये किसके बराबर हो गया, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। सो दिस इज द प्रूफ, नहीं समझा, बताते हैं, देखिए फिर से बताते हैं कि अगर मैंने ए बी को कनेक्ट कर दिया तो ये स्लोप वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। मैंने क्या किया, जो कर्व है हमारा, जो मेन कर्व है, मेन कर्व कौन सा है, व्हाइट वाला, ये हमने ग्रीन वाला तो हमने क्या है अपने सपोर्ट के लिए ऐसे बनाया ताकि हमें उस लाइन का स्लोप दिख सके, ठीक है। तो क्या होगा कि जब भी ऐसा रहेगा कि कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, ए बी पर वैल्यूज अलग अलग है और आप ग्राफ बनाएंगे, कोई ना कोई पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जिस पर टेंजेंट ए बी टेंजेंट के पैरेलल आ जाएगा, है ना, हमेशा मिल जाएगा। और जब पैरेलल आ जाएगा तो इन दोनों के स्लोप क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, तो कर्व पर किसी पॉइंट पर स्लोप कैसे निकालते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं और वो पॉइंट उसमें रखते हैं। तो ये स्लोप आ गया सी डी लाइन का और स्लोप ए बी लाइन का हमने निकाल लिया, तो इन दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो एफ डैश सी किसके बराबर आ गया, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने बताया कम से कम एक पॉइंट तो मिलेगा जरूर, है ना। अगर ऐसा हो गया, कैसा, सेम सिचुएशन ले लिया, है ना, एफ ए और ये पॉइंट क्या है, बी कॉमा एफ बी, यहां से यहां जाने पर और भी तरीके हो सकते हैं, मान लो कोई ऐसे चला गया, ठीक है। तो देखो अब मुझे दो टेंजेंट मिल जाएंगे, एक टेंजेंट ये है जो कि इसके पैरेलल है, दूसरी टेंजेंट ये है जो कि इसके पैरेलल है। तो ये टेंजेंट का स्लोप किस पर निकलेगा, मान लो सी वन है, ये टेंजेंट का स्लोप किस पर निकलेगा, सी टू है। तो इन तीनों लाइन के कौन कौन सी लाइन है, ये वाली टेंजेंट, ये वाली टेंजेंट और ये कनेक्टिंग लाइन, इन तीनों का स्लोप कैसा आएगा, बराबर। तो देखो दो पॉइंट मिल गए मुझे, एफ डैश सी वन इज इक्वल्स टू एफ डैश सी टू इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, सबके स्लोप बराबर होंगे। क्या ये समझ में आया अभिषेक, अभी बताइए सारी चीज। यस सर। हाँ बहुत बढ़िया, इसको नोट कर लीजिए, इस पर भी सेम क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो रोल्स थ्योरम जो है इसका एक स्पेसिफिक केस है, कैसा केस है, अगर मैं एफ बी को एफ ए के बराबर कर दूं, जो थर्ड कंडीशन है, तो देखो क्या मुझे यहां आराम से एफ डैश सी जीरो मिल जाएगा, मिल जाएगा, है ना, न्यूमरेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर सेम हो गया तो आपका जीरो आ जाएगा। तो रोल्स थ्योरम इज एन स्पेसिफिक केस ऑफ एलएमवीटी थ्योरम, ठीक है, काइंड ऑफ दिस इज एन यूनिवर्सल सेट, है ना, या फिर ये सेट है वो सबसेट है, ठीक है, ओके। तो इस तरह से है, इस पर क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा कैसा बनेगा, क्वेश्चन लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन फाइंड सी ऑफ एलएमवीटी फॉर एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स माइनस वन एंड द इंटरवल इज गिवन 1, 3। तो सेम उसी तरह से करना है, पहला कंटिन्यूस होना चाहिए 1 से 3 में, तो एलजेब्रा है, रूट है, हमेशा कंटिन्यूस है, कोई दिक्कत नहीं,
डिफरेंशियबल होना चाहिए, डोमेन के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस है, तो भाई ये बात आपके डोमेन में तो आ रही है। x माइनस वन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इज़ इक्वल्स टू जीरो, x शुड बी ग्रेटर देन इज़ इक्वल्स टू वन, तो वो है वन से बड़ा, कुछ ऐसा रख नहीं है जिस पर नेगेटिव आ जाए, तो डोमेन के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस होता है एलजेब्रा, डिफरेंशियबल भी हो जाएगा वन से थ्री में, ठीक है एलजेब्रा है क्योंकि। एंड पॉइंट्स पर वैल्यू देख लेते हैं, तो वन पर वैल्यू निकालते हैं और थ्री पर वैल्यू निकालते हैं, तो वन पर निकालेंगे तो वन माइनस वन जीरो आ गया, थ्री पर वैल्यू निकालेंगे तो थ्री माइनस वन जीरो आ गया, बराबर नहीं है, मतलब तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही, बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, एफ डैश सी मिलेगा आपको, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, तो वो सी निकालना है, तो पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, तो देखो फंक्शन क्या है, रूट ऑफ एक्स माइनस वन, डिफरेंशिएट कर दिया, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन टू रूट एक्स, चेन रूल में एक्स माइनस वन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वन आ गया, तो ये डेरिवेटिव आ गया, कितना आ जाएगा यहां से वन अपॉन टू रूट एक्स माइनस वन, ये एफ डैश सी की जगह रख दिया, ठीक है। एंड पॉइंट्स पर वैल्यू, तो एफ बी पर वैल्यू ये आई है जो फाइनल पॉइंट है उस पर रूट टू आई है, और ए पर वैल्यू पहले वाले पॉइंट पर वैल्यू कितनी है जीरो, बी की वैल्यू कितनी है थ्री, और ए की वैल्यू कितनी है वन, बी और ए का है वो तो इंटरवल से आया, अच्छा हाँ सही है एकदम, तो इसकी वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, रूट टू अपॉन टू, कट के कितना आ जाएगा वन अपॉन रूट टू आ गया, ठीक है किसी ने आंसर निकाल दिया शायद थ्री बाई टू, बहुत बढ़िया एकदम सही है ना, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, छोटा सा दिया हुआ है ये तो, टू रूट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू रूट टू, दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर कर दें, कर देते हैं, फोर टाइम्स एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टू, टू टू इज अ फोर, तो एक्स माइनस वन कितना आ जाएगा वन बाई टू, एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई टू, एंड डज दिस बिलोंग्स इन द इंटरवल वन टू थ्री, यस, तो यही आपको निकालने के लिए पूछा जाएगा, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई थ्री बाई टू, ठीक है इसको नोट कर लीजिए, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये देख लीजिए एक बार में, समझ में आया, किसी को कुछ पूछना है स्पेसिफिकली तो पूछ सकते हैं, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल एंड पॉइंट पर वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए, डिफरेंशिएट कर दिया और उसको किसके बराबर रख दिया, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर रख दिया, ऊपर से वैल्यूज रख दी हमने सब निकाली हुई है, और क्या कर दिया, एक्स की वैल्यू निकाली और एक्स की वैल्यू आपके उस इंटरवल में आ गई वेरीफाइड, तो ये कंप्लीट हो गया है ना, रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम, तो इसमें आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मैंने मैंने दिया है क्या उसमें, क्या बोलते हैं शीट में दिया होगा शायद, देखना एक सेक्शन है जिसमें दो तीन क्वेश्चन है रोल्स थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम, उसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, पीओडी की शीट कब करें, जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आप, अभी क्लास सॉल्व करने का पूछ रहे हैं कि क्या पूछ रहे हैं एग्जैक्टली, थोड़ा एक्सप्लेन करिए सर, कब करें, आपको जब टाइम मिले तब करना है, प्रीवियस ईयर लगाया है क्या, नेक्स्ट सेशन का बोल रहे हैं, थोड़ा बताइए या तो माइक ऑन करके बताइए या फिर कमेंट सेक्शन में बताइए कि एग्जैक्टली आप क्या कहें, माइक ऑन करके बताएंगे थोड़ा ज्यादा जल्दी समझ आता है। सर अगली क्लास तक एओडी की शीट कंप्लीट करनी है जो मैंने आपको सेंड किया है प्रीवियस ईयर्स, उसका पूछ रहे हैं ना, एओडी की शीट तो हमने कल ही कंप्लीट कर दी थी, थर्ड एक्सरसाइज जो रहता है वो तो फिर आपको खुद से ट्राई करना रहता है ना, उसका सोल्यूशन तो कहीं भी मिल जाएगा, उसका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हैं, अगर आप लोगों ने लगाया तो वो मैं बता दूंगा, ठीक है हाँ, तो वो वाली शीट तो हमने कंप्लीट कर दी, और आप शायद पूछ रहे हैं जो शीट मैंने आपको आज दी थी, सो दैट इज टोटली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, तो उसको सॉल्व करिएगा आप, है ना, जब भी टाइम मिले,
फ्री टाइम है, प्रीवियस ईयर भेज दिया, उसको बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं, उसके सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो पर्पस था एक्चुअली। अगर किसी के पास प्रीवियस ईयर ना हो, बुक ऑर्डर कर लीजिए, है ना, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर नहीं है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये एक टॉपिक था, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ कुछ पढ़ा दिया था, सो दैट वी आर नॉट रिपीट, आई विल जस्ट रिवाइज इट। तो क्या पढ़ लिया था हमने, जो डिसकंटिन्यूटी है वो दो तरह की होती है, टू टाइप्स। उसमें सबसे पहला था रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जिसको आप रिमूव कर सकते हैं। इसमें क्या था कि मान लीजिए आपका LHL RHL के बराबर आया, ठीक है, और फाइनाइट आया सब कुछ, लेकिन F of A के बराबर नहीं, तो इसको आप रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 - x 1 + x, एक्स लेस देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पर 2, ठीक है। इसमें आप चेक करेंगे, LHL निकालेंगे यहां से, 0 पर निकालेंगे अगर तो 1 आएगा, RHL निकालेंगे तो भी कितना आएगा, यहाँ पे 0 रख देंगे 1 आएगा। तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, लेकिन फंक्शन की 1 पर वैल्यू निकालेंगे 2 आएगा। तो ये आपका फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। मोर स्पेसिफिकली क्या बोलेंगे, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में IIT में क्वेश्चन जैसे आए हैं उसमें ऐसे पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई वेदर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस और नॉट एंड व्हाट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इट इज, ठीक है। तो आपको आंसर में क्या लिखना रहेगा, अगर ऐसा केस बनता है दैट दिस इज अ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, बस इतना ही करना है आपको, है ना। अब लॉजिक से मैं बता रहा हूं कि इसको रिमूवेबल क्यों बोलते हैं, ये चीज आपको करनी नहीं। रिमूवेबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई देखो, जीरो से कम और जीरो से ज्यादा जो फंक्शन लिखे हुए हैं अच्छी बात है ना, लेकिन 1 पर जो वैल्यू आप, 0 पर वैल्यू जो है वो डिफरेंट आ गई है, हम क्या करते हैं उसको चेंज कर देते हैं और इसको भी 1 कर देते हैं। तो देखो, इस वैल्यू भी तो बस थोड़ा सा चेंज करना है, तो ये फंक्शन हमने रीडिफाइन कर दिया, लेट्स से दिस इज gx, तो रीडिफाइन कर सकते हैं हम इसको, है ना, और रीडिफाइन कर सकते हैं। तो देखो, अब ये आपका फंक्शन कैसा हो गया, तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, इस डिसकंटिन्यूटी को हटाया जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि f ऑफ 0 की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि जो फंक्शन है आपका कंटिन्यूस हो जाए, तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और f ऑफ 0 कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं रिमूवेबल कंटिन्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट जो बताया था मैंने, नॉन रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल क्या होती है, नॉन रिमूवेबल LHL ही RHL के बराबर नहीं आया, तो FFA को तो छोड़ दो, बेचारा लिमिट ही बराबर नहीं हुआ। अब लिमिट जो LHL RHL होते हैं फंक्शन से निकलते हैं, अब इसमें क्या है, आप फंक्शन को पूरा फंक्शन थोड़े रीडिफाइन कर सकते हो, है ना, पूरा फंक्शन थोड़े चेंज कर सकते हैं, तो इसीलिए उसको रिमूव नहीं करते हैं, उसको क्या बोल देते हैं, नॉन रिमूवेबल कंटिन्यूटी, ठीक है। तो LHL RHL के बराबर नहीं आए, जैसे क्वेश्चन आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, fx इज इक्वल्स टू x - 1 x + 1, x ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0, x लेस देन 0। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि LHL कितना आएगा, 0 से कम पर, यहां से देखो 1 आ जाएगा, और RHL कितना आ गया, -1 आ गया, यहां पर जब 0 रखा, तो LHL इज नॉट इज इक्वल्स टू RHL, विच मीन्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। और ये कैसा है, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, बराबर नहीं है। नाउ नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी आर ऑफ
थ्री टाइप्स। सबसे पहला है फाइनाइट टाइप, इस पर जेई पर क्वेश्चन आए हुए हैं ना, फाइनाइट टाइप, ठीक है। सेकंड है इनफाइनाइट टाइप, एंड द थर्ड वन इज जस्ट अ सेकंड, हाँ, थर्ड वन इज ऑसिलेटरी, ठीक है। देखते हैं क्या क्या है। फाइनाइट टाइप का मतलब क्या है, एलएचएल जो आया है फाइनाइट आया है, आरएचएल जो आया है फाइनाइट आया है, बट एलएचएल इज नॉट इज इक्वल्स टू आरएचएल। जैसे कि ऊपर वाला जो एग्जांपल मैंने बताया उसको चाहे तो दोबारा मेंशन कर सकते हैं, x प्लस वन अगर x लेस देन जीरो, x माइनस वन अगर x ग्रेटर, तो दोनों हो, दोनों फाइनाइट आ रहे हैं आपके, है ना, LHL वन और RHL माइनस वन, दोनों फाइनाइट आ रहे हैं, है ना, बट दे आर नॉट इक्वल। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, बोलेंगे किस तरह की डिस्कंटिन्यूटी है इसमें, इसमें है नॉन रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी, ये है कंप्लीट नेम, नॉन रिमूवेबल फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी, है ना। नॉन रिमूवेबल क्यों, क्योंकि एलएचएल आरएचएल के बराबर नहीं है। फाइनाइट टाइप क्यों, क्योंकि दोनों फाइनाइट है, ठीक है। इनफाइनाइट टाइप देखिए क्या है, एनी वन और बोथ ऑफ एलएचएल आर, बोथ ऑफ एलएचएल एंड आरएचएल बिकम्स इनफाइनाइट, दोनों में से कोई एक या दोनों ही इनफाइनाइट बन जाए तब भी गड़बड़ हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन है x ग्रेटर देन जीरो के लिए x है और x लेस देन जीरो के लिए वन अपॉन x, तो इसमें देखो आप LHL निकालोगे तो यहां से निकालोगे x टेंस टू जीरो माइनस वन अपॉन x, तो यहां पर रखोगे जीरो माइनस तो कितना आएगा बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, बताइए कितना आएगा, थोड़ा सा सोच के बताना, ठीक है। इतना नहीं सोचना है, हाँ किसी ने बताया, बहुत बढ़िया, माइनस इनफाइनाइट आए क्योंकि नीचे नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है ना, वन अपॉन जीरो इनफाइनाइट होता है लेकिन नेगेटिव नंबर है, वन अपॉन जीरो नेगेटिव माइनस, यहां से आरएचएल निकालें बहुत आराम से आप देख सकते हो, यहां पर रख देंगे तो जीरो आ जाएगा। तो देखो कोई भी एक इनफाइनाइट आ जाए, है ना, इनफाइनाइट आने के बाद, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा देखो मान लो ये भी इनफाइनाइट ये भी इनफाइनाइट, आप बोल तो सर ये बराबर हो गया, बराबर हो गया तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, नहीं लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना, तब भी क्या होगा इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। तो यहां पर क्या बोलेंगे, यहां पर बोला जाएगा नॉन रिमूवेबल इनफाइनाइट टाइप डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। ऑसिलेटरी क्या होता है, ऑसिलेटरी इसमें होता है द वैल्यू ऑफ लिमिट, द वैल्यू ऑफ लिमिट ऑसिलेट बिटवीन बिटवीन सम नंबर्स, मतलब फिक्स नहीं है। जैसे इसका बहुत ही क्लासिक एग्जांपल
जो कई जगह आपको देखने को मिलेगा। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन वन अपॉन एक्स, ठीक है, साइन वन अपॉन एक्स। तो इसमें देखो एल एच एल आर एच एल करके दोनों ही निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, जीरो माइनस करेंगे अगर, जीरो माइनस साइन वन अपॉन एक्स, तो मैंने यहां पर रख दिया, ठीक है, साइन वन अपॉन जीरो माइनस साइन माइनस इनफाइनाइट। तो बताइए भैया साइन माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी आएगी, ये आपके एनसीईआरटी में है, ये इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा। बताइए साइन माइनस इनफाइनाइट कितना आएगा, नहीं सोच पा रहे, देखो कितना आएगा तो मुझे माइनस वन, भाई वो तो माइनस फाइव बाई टू के लिए आता है, सूरज ने सही बताया है भाई, ये तो नहीं पता हमें कितना आएगा क्योंकि एंगल पता नहीं, लेकिन ये पता है कि साइन की रेंज जो होती है माइनस वन से वन होती है, तो इसका आंसर माइनस वन से वन के बीच में आएगा। तो देखो इसकी वैल्यू जो है माइनस वन से वन के बीच में ऑसिलेट कर रही है ना, कुछ भी हो सकती है। इसी तरह से आप आर एच एल निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस करके निकालेंगे, तो यहाँ पर साइन इनफाइनाइट आ जाएगा, तो ये भी वैल्यू कहां माइनस वन से बनाएगी, है ना। तो अब ऊपर कुछ और आ गया, मान लो नीचे कुछ और आ गया, बराबर ही नहीं, तो इसीलिए एल एच एल बराबर आर एच एल है ही नहीं, कुछ कुछ यहाँ पर है ही नहीं सिस्टम, और ना तो एल एच एल फिक्स आ रहा है ना तो आर एच एल फिक्स आ रहा है। तो अगर किसी भी लिमिट को ऑसिलेट हो रही है, दो वैल्यूज के बीच में घूम रही है, तो इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देंगे नॉन रिमूवेबल ऑसिलेटरी टाइप डिस्कंटिन्यूटी। बात समझ में आई, इज दैट क्लियर? ये कंप्लीट हो गया आपका, है ना, टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। सर साइन माइनस इनफिनिट की वैल्यू माइनस वन टू जीरो के बीच में होगी ना? ना ना ना, साइन माइनस इनफिनिट देखो सेम रहेगा, अंदर एंगल देखो साइन माइनस थीटा पॉजिटिव कैसे हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, देखो ये पढ़ा होगा आपने साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो उस माइनस को बाहर निकालिए, माइनस साइन इनफाइनाइट, ठीक है, माइनस बाहर आ गया। अब बताओ साइन इनफाइनाइट की वैल्यू माइनस वन से वन तक होगी ना, इन सारे वैल्यूज को नेगेटिव कर दो तब भी आंसर माइनस वन से वन के बीच आएगा। भाई ऐसा नहीं है कि अंदर का एंगल नेगेटिव है तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, साइन फाइव पाई बाय फोर माइनस, इसकी वैल्यू निकालो, तो माइनस बाहर निकाल लिया, साइन फाइव पाई बाय फोर, ठीक है, माइनस साइन, इसको लिख दिया पाई प्लस पाई बाई फोर, और साइन 180 प्लस थीटा, माइनस का साइन थीटा होता है तो प्लस हो जाएगा, और पाई बाई फोर, तो आंसर कितना आ गया 1/√2। सो एंगल इज नेगेटिव डजंट मीन दैट द आंसर कैन नॉट बी पॉजिटिव, बिकॉज नेगेटिव एंगल में भी चारों क्वाड्रेंट कवर होंगे, है ना, नेगेटिव एंगल में भी चारों क्वाड्रेंट कवर हो सकते हैं, और जब भी फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा हमेशा। चलिए बहुत बढ़िया, आप समझ गए, तो ये हमारा खत्म हो गया, है ना। इस पर आप क्वेश्चन आया था डिस्कंटिन्यूटी में, तो आप आराम से कर सकते हैं कौन सा टाइप डिस्कंटिन्यूटी। आगे बढ़ते हैं, लिखिए जो हमारा लास्ट टॉपिक है, लेट्स सी हाउ मच वी कैन कवर दैट, कर्व ट्रेसिंग, हेडिंग डालिए कर्व ट्रेसिंग। क्या आप लोगों की 8 बजे से कोई क्लास है, कोई ऐसा है जिसकी 8 बजे से कोई क्लास है, मुझे ये बता दीजिए बस। ओके चलिए ठीक, ओके कोई कर्व ट्रेसिंग,
मेरे ख्याल से एनडीए ऐसा कुछ चल रहता है। चलिए तो कर्व ट्रेसिंग क्या होगा? कर्व ट्रेसिंग तो इसके लिए हमें एक तो कॉन्सेप्ट जानने पड़ेंगे जो मैं पढ़ा देता हूँ। कॉन्केविटी एडिंग डाल लीजिए, जस्ट गिव मी अ सेकंड। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास में, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब एक से बेसिक चीज की डबल डेरिवेटिव जहां पर जीरो हो जाए तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। ठीक है, ये पढ़ा हुआ है। चलिए तो इसका काम आएगा कॉनकेव ऑफ ऑल दिस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, हर केस में भी नहीं होता है, इसमें क्या होता है डबल डेरिवेटिव कॉनकेव ऑफ लिखिए भाई, स्पेसिफिकली मुझे नहीं मिल रहा। देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में थोड़ा सा देखता हूँ, आपको बताता हूँ। ध्यान से देखिए, टाइम कम है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आप जानते हैं, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है y is equals to fx, उसको डिफरेंशिएट कर दिया, जीरो रख दिया, डबल डिफरेंशिएट कर दिया, चेक करते हैं मैक्सिमम मिनिमम। अगर जीरो आ जाए तो हमेशा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होता है। NCRT में हमेशा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो NCRT एडिशन में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, डबल डेरिवेटिव हमेशा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। लेकिन और कॉम्पिटेटिव लेवल पर जाएंगे तो इसमें दो बातें होती है, क्या क्या? आपको इसका कर्व जो है थोड़ा प्रेडिक्ट करना पड़ता है, कर्व कैसा है। जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको, वाई इज इक्वल टू लेट्स से लिखा हुआ है एक्स क्यूब, ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल है वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, और मैं एक्स इज इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूँ। तो देखो ये फंक्शन जो है इसको डिफरेंशिएट कर दिया, 3x स्क्वायर आ गया, 0 रख दिया, x की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, डबल डिफरेंशिएट कर दिया, कितना आ गया 6x, और 0 रखा मैंने तो डबल डेरिवेटिव पर कितना आ गया, डबल डेरिवेटिव 0 पर कितना आ गया 0। तो यहां से मुझे लग रहा है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। ठीक है, देखेंगे। यहां भी मैंने ऐसे ही डिफरेंशिएट किया, dy by dx कितना आ जाएगा 4x³, d square y upon dx square कितना आ जाएगा 12x square। तो ये 0 के बराबर रखा तो x 0 आ गया, ये 0 यहाँ रख दिया तो ये भी 0 आ गया, तो ये भी लग रहा है पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। अब हमें क्या करना रहता है, इसका ग्राफ ऑब्जर्व करना रहता है। कैसे? तो इसके किस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन आ रहा है, 0,0 पर। इस पर भी किस पर आ रहा है, 0,0, है ना। स्लोप 0,0 पर कितना आ रहा है, देखो 0 आ रहा है, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेंजेंट की इक्वेशन लिखता हूँ, t is equal to 0 मतलब टेंजेंट, किस पॉइंट पर 0,0, कर्व का स्लोप कितना है 0 है। देखो यही कर रहे ना, इस पर डिफरेंशिएट किया और स्लोप मिल गया मुझे 0,0 पर। इक्वेशन देखो क्या है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, ये तो 0 से खत्म हो गए, वाई इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो देखो इसको बनाते हैं थोड़ा। एक्स क्यूब का ग्राफ काफी पहले से पढ़ाया जाता है, एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा आता है,
ठीक है, तो किस पॉइंट पर टेंजेंट निकालना है, 0, 0 पर टेंजेंट की इक्वेशन लिया, ये किसकी इक्वेशन है, y = 0 इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट, x is, y is equals to 0 is the equation of किसी कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट उस कर्व को कट करके निकल रही है, ऐसी तो कभी टेंजेंट देखी नहीं। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्या, एक तो डबल डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, उसके साथ क्या होना चाहिए, टेंजेंट शुड नॉट टच, शुड क्रॉस द कर्व, तब इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, ठीक है। और इस केस में देखो आप, इस केस में देखते हैं थोड़ा, तो इसमें आप बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.0, 0, और यहां पर भी स्लोप कितना आ रहा है आपका, 0 आ रहा है, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, तो यहां पर भी टेंजेंट क्या आ रही है, y इज इक्वल टू 0, और इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, x स्क्वायर जैसा, x स्क्वायर, x की पावर 4, x की पावर 6, x की पावर 8, इवन पावर, इन सब का ग्राफ होता है, जो उसको हम किस नाम से जानते हैं, उनको हम पैराबोला के नाम से जानते हैं, है ना, पैराबोला के नाम से जानते हैं। तो देखो इस पर ग्राफ बनाएंगे ना, हाँ किसी का आंसर अपवर्ड पैराबोला, तो ये बन गया अपवर्ड। अब देखो ये टेंजेंट जो है इसको टच करके निकल रही है, तो अगर ये टेंजेंट टच करके निकल रही है, सो दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, आई होप सो दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। तो ये पता कैसे चलेगा सर, ग्राफ बना, कॉम्पिटिशन लेवल पर अगर आपको करना है तो ग्राफ का एक आइडिया लगना चाहिए, अच्छा ग्राफ जो है ऐसा ऐसा बन के हमें थोड़ा आइडिया लगेगा, है ना। और भी एक चीज, ऊपर से निकल रहा है क्या, कहां तक आ गया आपको साक्षी समझ नहीं, बताइए, ग्राफ नहीं आ रहा होगा मेरे ख्याल से, कि ऐसा ग्राफ ऐसे कैसे बन गया, तो बेटा ये तो ग्राफ, तो इसका बहुत बड़ा ग्राफ है पीछे, ग्राफ में दिक्कत आ रही है ना, स्टार्टिंग से यार, स्टार्टिंग से तो ये सब आपने पढ़ा होगा, ये तो बोर्ड वाला ही है, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन टॉपिक उसमें आता है, y इज इक्वल्स टू fx दिया हुआ है, और उसको डिफरेंशिएट कर दिया, जीरो के बराबर रख दिया, डबल डिफरेंशिएट करके उस पर चेक करते हैं, अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है तो फंक्शन आपका जो रहता है क्या रहता है, मिनिमा, ठीक है, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा, जीरो आता है तो उसको क्या बोल देते थे, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, ये पढ़ा है इतना, बताइए मुझे, यस ठीक है ओके। नेक्स्ट पॉइंट मैं क्या बता रहा हूं कि जब जीरो आपका आ जाता है तब उसके बाद भी दो कर्व बन, दो केसेस बनते हैं, क्या केस बनता है देखिए, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, तो इसमें मैंने दो केस ऐसे मेंशन कर दिए, क्या क्या, इसके साथ अगर टेंजेंट क्रॉसेस द कर्व, तब ये पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन कहलाएगा, और अगर टेंजेंट डजंट क्रॉसेस, तब ये पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, उस पर मैक्सिमा मिनिमा होगा, और वो निकालने का तरीका हमने कल देखा था, क्या करेंगे, ट्रिपल डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो के बराबर रखेंगे, एक्स की वैल्यूज निकालेंगे, फिर
फोर्थ डिफरेंशिएशन के लिए चेक करेंगे, फिर इसमें जाएंगे केसेस, क्या पॉजिटिव तो मिनिमा, नेगेटिव तो मैक्सिमा, फिर जीरो, फिर दो बातें, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन होगा पहला कर्व, और उसके बाद फिर से चेक करना पड़ेगा। तो यहां से सीरीज जाती है, तो ये है पूरा क्लैरिटी। अच्छा अक्षय अभी ये बताइए कि ये चीज समझ में आएगी नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर टेंजेंट क्रॉस करेगी तो पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन होगा, टेंजेंट क्रॉस नहीं करेगी तो पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन नहीं होगा। और देखो ये ग्राफ देखिए, ये है टेंजेंट पहले कर्व पर, तो ये क्रॉस कर गई तो मतलब मैंने डिक्लेयर कर दिया क्या है, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। ये देखो टेंजेंट जो है कर्व को टच करके निकल रही है, तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर आपको ग्राफ दे दिया जाए तो आप ऐसे इतना बता सकते हैं। अब ये निकाला कैसे ये मैं अभी बताता हूं, पहले ये बताइए कितना समझ में आएगा। यस बहुत बढ़िया। अब देखो ये निकाला कैसे है, ये टेंजेंट नॉर्मल का कॉन्सेप्ट यूज करके। टेंजेंट की इक्वेशन किसी पॉइंट पर कैसे निकालते हैं, देखो एक बार डिफरेंशिएट किया, उसको जीरो रख दिया, ठीक है, तो स्लोप कितना आ गया, जीरो। तो देखो पॉइंट क्या मिल गया मुझे, जीरो कॉमा जीरो, स्लोप क्या मिल गया, जीरो। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स वन, है ना, और जीरो मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग जीरो, y की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। y इज इक्वल टू जीरो जो है x एक्सिस की इक्वेशन होती है, और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ये होता है ना, अब इसको याद करना पड़ेगा एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे होता है ना। तो जैसे ही मैंने टेंजेंट की इक्वेशन पता कर ली, जीरो y इज इक्वल टू जीरो और ग्राफ मुझे पता है, तो मुझे पता चल गया क्रॉस कर रहा है, मतलब ये पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन है आपका। और यहां पर भी मैंने सेम चीज किया, y is equals to zero, और इसका ग्राफ जो होता है पैराबोला होता है, और ये टच करके पता चल रही है पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन नहीं है। तो पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन नहीं है तो क्या है यहाँ पर, देखो मिनिमा है, तो वो कंटिन्यूटी वो आगे बढ़ जाएगा, और आप ट्रिपल डिफरेंशिएशन फोर्थ डिफरेंशिएशन उस पर क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ये माइंड में क्लियर रहना चाहिए कि हर बार डबल डिफरेंशिएशन से पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन नहीं आता है। अभी बताइए साक्षी कि आपको क्या मैक्सिमम लेवल समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसमें एक और चीज, छोटी सी चीज लिख लीजिए जो कि आगे जाके हम करेंगे कभी, इसमें लिखिए कॉनकेविटी, नोट कर लीजिए, दो मिनट का टॉपिक है, विच विल बी वेरी हेल्पफुल इन अवर ड्राइंग ग्राफ। तो इसको रिमाइंड करवाइएगा, कभी फ्री टाइम मिलेगा तो कर्व ट्रेसिंग पर दोबारा आए, ठीक है। तो कॉनकेविटी क्या होता है, इसको बोलते हैं कॉनकेव डाउन, इसको बोलते हैं कॉनकेव अप। तो जैसे कोई कर्व है तो इस पर ऐसे हाथ का डायरेक्शन करिए ऐसे, ठीक है, जैसे पहला वाला दिख रहा है। तो अगर हमारी हथेली नीचे की तरफ आ रही, कहीं पर भी ऐसा कर्व बन गया ऐसे, है ना, अगर हमारी हथेली नीचे की तरफ आ रही है तो मतलब वो क्या हो जाएगा, कॉनकेव डाउन हो जाएगा। और दूसरा वाला जैसा कर्व दिख रहा है, अगर हमारी हथेली ऐसे ऊपर की तरफ आ रही है इस तरह से कर्व है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कॉनकेव अप हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपको अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, ठीक है, तो दो तरीके होते हैं जाने के, कैसे, आपको पता चल गया कि कंटिन्यूस है मतलब ए से बी तो जाना ही है, और डिफरेंशिएबल है मतलब शार्प कॉर्नर नहीं है, ये दोनों चीजें चेक कर सकते हैं। अब यहां से यहां जाने के कई तरीके हो सकते हैं, कैसे, हम क्या चेक करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा चेक करेंगे, कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा आ रहा है ऐसे, है ना, सी की वैल्यू निकालेंगे जो अभी रोज थ्योरम मीन्स वैल्यू थ्योरम में पढ़ाएगी, कितने पॉइंट है जहां पर पैरेलल है। तो देखो दो तरीके हो सकते हैं, एक तो ऐसे जा सकते हैं और एक ऐसे जा सकते हैं। ग्राफ बनाने की हमें पता होना चाहिए कि कैसे जाना है। तो देखो ऊपर जो बना हुआ है ये कॉनकेव डाउन है, और जो नीचे बना हुआ है ये कॉनकेव अप है, है ना, क्योंकि इसका फेस ऊपर की तरफ नीचे वाले का। तो ये है आपका कॉनकेव अप और ये है आपको कॉनकेव डाउन। अब पता कैसे करेंगे, वो ये तरीका है, क्या, डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, डबल डेरिवेटिव, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए कि अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मतलब ऊपर, ऊपर मतलब कॉनकेव अप होगा, ठीक है। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव मतलब नीचे जाना, तो क्या हो जाएगा, ये कॉनकेव डाउन हो जाएगा,
तो इसके बीच के किसी पॉइंट पर हम डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे। डबल डेरिवेटिव निकालना हमें आता है, दो बार डिफरेंशिएट किया उसमें x की वैल्यू रख दी, अगर वो पॉजिटिव आ गया तो हम समझ जाएंगे भाई कॉनकेव अब बनना है, मतलब इस तरह से बनना है, और अगर वो नेगेटिव आ गया तो हमें क्या पता चल जाएगा कि कॉनकेव डाउन बनना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए, इस पर कभी हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लेंगे। अभी इसमें क्या है, एक ही क्वेश्चन करना है लेकिन उसको करने में 5 मिनट लगेगा। क्यों? उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लगाएंगे, मैक्सिमम मिनिमम लगाएंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लगाएंगे, है ना, और कॉनकेव ऑफ कॉनकेव डाउन लगाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन जब पता चल जाएगी, कुछ पॉइंट्स निकालेंगे, मेजर पॉइंट्स, ये 5 इन्फॉर्मेशन जब पता चल जाएंगी तो हमें ग्राफ का एक हमें फंक्शन का एक अप्रोक्सीमेट ग्राफ पता चल जाएगा, और अगर आपको ग्राफ पता चल गया तो बहुत सारी चीजें फिर पता रहेगी। चलिए ठीक है, तो आज हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, एंड मोस्टली टुडे और बाय टुमारो आई विल सेंड यू द शीट फॉर, क्या बोला मैंने, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, यही बताया ना, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच, आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है बढ़िया से। ठीक है, कल मिलते हैं, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू। 3 इसका क्या मतलब, चलिए।